गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक डिटरमिनेंट में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आप अपना बेस क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो रूल पढ़े थे, सॉरी तीन, हम लोग ने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और उस तीन प्रॉपर्टीज के आगे दो प्रॉपर्टी और पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी जो कि आपको क्या करना है, उसका यूज करना है, अच्छे से उसको अप्लीकेबल करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तभी वो पॉसिबल है। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन और थ्योरीज की बात करेंगे, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज प्रूव दैट जीरो डिटर्मिनेंट बराबर जीरो ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो इक्वल टू जीरो। वी हैव टू प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज। देखिए मैं दो वर्ड बता रहा हूं, ये कीवर्ड अपने कॉपी में नोट किया करिए, भले हिंदी इंग्लिश जिसमें नोट करिए, लेकिन आप नोट कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। जैसे अगर आपसे कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज, तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक के स्टेज में कहीं पे भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है, कहीं पे भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, एनी स्टेज की बात नहीं करता है, तो आप लास्ट के एक स्टेज में जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में लास्ट के एक स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी चलते आएगी और लास्ट वाले स्टेज में उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन जब विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज बोलता है, तो किसी भी स्टेज में एक्सपेंड नहीं करेंगे, याद रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। जब बात करते हैं डिटरमिनेंट बराबर जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो और बी सी जीरो इक्वल टू जीरो, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी को एलएचएस मान लेता हूं। आप पहले एलएचएस लिखिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। अब एलएचएस लिखना है अगर, तो दिखाई दे रहा है जीरो ए माइनस बी माइनस ए माइनस ए माइनस सी और बी सी जीरो। हम लोग क्या करते हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो मैं कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा। देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं क्या करूंगा, पहले रो में से एक माइनस लूंगा कॉमन, पहले रो में से एक माइनस लूंगा कॉमन, ठीक। दूसरे रो में से एक माइनस लूंगा कॉमन, तीसरे रो में से एक माइनस लूंगा कॉमन। कितने माइनस कॉमन हो गए, तीन। देखिए जब कॉमन ले रहे हैं तो पहले रो से एक माइनस कॉमन ले लिए, दूसरे रो से एक माइनस कॉमन ले लिए, तीसरे रो से एक माइनस कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो जिसके पास माइनस है वो वहां से तो माइनस हट जाएगा, लेकिन जिसके पास माइनस नहीं है वहां पे माइनस क्या आ जाएगा, आ जाएगा नया एक माइनस आ जाएगा। तो जीरो जीरो के आगे माइनस लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं ना है लेकिन माइनस कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए। ये क्या है, माइनस बी है, ठीक। माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, प्लस का बी, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस ए है, अगर कॉमन ले लिए माइनस ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का बी, ये क्या हो गया, माइनस का सी, ये कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, माइनस को अगर तीन बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस का ही साइन देगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन दे दिया, वोट पूरा आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हम लोग डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। जैसे हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी परिवर्तन, कोई भी असर, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इस वाले रो को कॉलम बना लूंगा, जीरो माइनस ए बी, ठीक है। इस वाले रो को कॉलम बना लूंगा, ए जीरो सी। इस वाले रो को कॉलम बना लूंगा, माइनस बी माइनस सी जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। अब देखो, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो क्वेश्चन दिया था वही है। देखो जीरो ए माइनस बी, जीरो ए माइनस बी, माइनस ए जीरो माइनस सी, माइनस ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो बी सी जीरो, वही आ रही है ना। तो मैं इसकी जगह, यहां देखो इसकी जगह यहां से उठाया, इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट बराबर, ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी थी ना, तो इसकी जगह भी क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट लग दिया, कोई दिक्कत। अब ये इधर जाएगा तो डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट बराबर जीरो, तो टू डिटरमिनेंट बराबर जीरो, तो दो से डिवाइड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आई कि नहीं आई, आ गई, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखे क्वेश्चन में कुछ भी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, यानी कि जब तक आपको, आप जब तक
मुझसे जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको डाउट क्लियर करवा रहा हूँ, उसमें आप 15-20 क्वेश्चन नहीं देखेंगे, और उसके बाद पर्सनली आप जाके आप 30-40 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज पे, तो आप कभी भी क्वेश्चन लगाने के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप सोचेंगे 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया डाउट क्लियर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, जैसे हमेशा चिटपुटाई करते हैं, चलेगा नहीं यहाँ, क्योंकि क्लास 12th है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो लॉकडाउन जो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जुलाई तक खुल जाएगा, और अगर जुलाई तक खुलता है तो जो एग्जाम्स होंगे आपके वो मार्च में ही होंगे, तो इसलिए दिमाग लगा के एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी यहाँ पे लापरवाही मत करिए। ठीक, इसको नोट करिए, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नई प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, 4th प्रॉपर्टी, 4 सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शुरुआत में आपको देख देख के या नोट करना पड़ेगा, देख देख के सॉल्व करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपके क्वेश्चन ऑब्वियस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। ठीक, देखिए लिखा तो हुआ है, लेकिन इसको समझाया जाए, क्या कहना चाह रहा है, क्या इसकी भावनाएं हैं। ठीक, जो आपसे बताना चाह रहा है, इसकी भावनाओं समझते हैं। कह रहा है कि अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट में हम लोग लिख देते हैं a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी, फिर हो चुका है b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है, उसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कितने डिटर्मिनेंट में, 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होगा, देखो ये थोड़ा लिखा गया है, फिर भी यही पे कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट दिया है, तो उसको 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 a3, ठीक, b1 b2 b3, ठीक है, और c1 c2 c3, इसको अलग कर दिए प्लस लगा के, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं λ1 λ2 λ3। यहाँ पे b1 b2 b3 एज इट इज रहेगा और c1 c2 c3 एज इट इज रहेगा। याद रखना, अगर कोई डिटर्मिनेंट किसी रो या किसी कॉलम में प्लस के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो उसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। आपके क्लासेस में 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है, ठीक, हायर क्लासेस में 3 में भी करेंगे। जब यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई, मान लो 3 वैल्यूज आ गई, तो 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देंगे। ठीक, सेम एज पैटर्न होता है, लेकिन हमको 2 का समझना है। तो देखो λ1 λ2 λ3 है, तो जो पहले एलिमेंट है उसके साथ एक डिटर्मिनेंट हो गया, फिर लैम्डा वाले के साथ दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अगर मान लो ये चीज λ1 λ2 λ3 यहाँ पे होता, तो इसको एज इट इज लिखते और इसको एज इट इज लिखते, इसको भी एज इट इज लिखते, और λ1 λ2 कहाँ पे आ जाता, यहाँ 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 आ जाता। ठीक, कोई दिक्कत, नोट करो इसको। हम लोग क्या करते हैं, कि इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, अब शो करना है ABC a+2x b+2y c+2z xyz = 0। ये प्रूव करना है, देखो जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन लिखोगे तुम, फिर उसके बाद सोल्व करोगे। तो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो प्लस का साइन आया कि नहीं आया, तो ध्यान दो क्या करेंगे, इसको ABC एज इट इज रहने देंगे, इसको पहला एलिमेंट उठा लो A, दूसरा एलिमेंट उठा लो B, तीसरा उठा लो C, ठीक, फिर XYZ लिख लो, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या कर लोगे, हम लोग यहाँ पे फिर से ABC लिख देंगे, ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, 2x 2y 2z लिख देंगे, फिर क्या कर लेंगे, XYZ लिख लेंगे। चलो अब तो ये प्रॉपर्टी हो ही गई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, LHS यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरी बात समझना ध्यान से, इसको फिर से एज इट इज उतार लो, ए बी सी
ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है प्लस। अच्छा यहाँ पे रो टू से दूसरे वाले रो से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, टू दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे दूसरे वाले रो के सारे एलिमेंट में टू है तो टू कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड, टू कॉमन ले लिए एक्स वाई जेड। अब याद करो प्रॉपर्टी नहीं रूल, रूल याद है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम जीरो हो जाते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो देखो क्या यहाँ पे दो रो सेम है, क्या यहाँ पे दो रो सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो गई और टू इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो आंसर कितना हो गया जीरो, हैंस प्रूव्ड। आगे यहाँ कोप्चे में लिख देना, क्या लिख दोगे, बाय प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या बाय यूजिंग रूल, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। तो देखो एक क्वेश्चन किए प्रॉपर्टी लगाए तो दूसरा रूल उसमें यूज हो गया कि दो रो या दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम अगर सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बहुत इजी है, अगर आप एक लेवल से एक आराम से कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या लगेगा, इजी लगेगा। लेकिन अगर आप हवा में बात करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस इतना याद कर लिया हो गया, इस तरह की कहानी नहीं चलेगी, आपको क्या कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, इसको नोट करिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी फाइव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी है, ठीक है, इसी में आपका दिमाग क्या हो जाएगा थोड़ा देर के लिए ब्लॉक होगा, बोलेंगे सर कहां पे क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैं डिस्कशन करूंगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को समझिएगा, पूछिएगा सर ये डाउट है, ये डाउट है, ठीक ठीक। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका एक अपने आप आइडिया बनते चला जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। और बोर्ड्स में पहली बात, बोर्ड्स की बात अगर करूं तो बोर्ड्स में कोई नए क्वेश्चन नहीं आने हैं, जो क्वेश्चन पुराने हैं वही क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक। तो आपको एक बेसिक बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपके क्वेश्चन इजिली लगेंगे, हूबहू वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जब कंपटीशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन का टाइप रहेगा लेकिन क्वेश्चन देखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक। तो वहां पे भी आपके कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक। तो प्रॉपर्टी फाइव ये कहती है कि अगर मैं किसी रो को इंटरचेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए RI चेंज टू RI प्लस MRJ, ठीक है। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, और अगर आपको लिखा है CI चेंज टू CI प्लस NCJ, अगर ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब समझिए, जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, जब ऑपरेशन की बात कहेगी कहेगा क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपके तीनों रूल स्टार्टिंग में नहीं लग पा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और जब आपकी तीन कितनी है पांचवी प्रॉपर्टी है, चारों प्रॉपर्टी जब यूज नहीं हो पा रही है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे क्या, RI चेंज टू RI प्लस MRJ CI चेंज टू CI प्लस NCJ। RI चेंज टू का क्या मतलब है, अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट है, किसका है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो कितने तीन रो रहेंगे, कितने कॉलम रहेंगे, तीन कॉलम रहेंगे, रहेंगे बोलिए हाँ, ठीक, तीन कॉलम रहेंगे, तीन रो रहेंगे। तो अगर मुझे कभी चेंज करना हो किसको, R1 को चेंज करना हो, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब बात करूंगा, तो आप R1 को अगर चेंज करेंगे तो R1 चेंज टू R1, और M का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए 2R2 ऐसे आया, मतलब कोई हमको चेंज करना हो तो प्लस करने पे आया, मान लीजिए कोई कहेगा नहीं सर हमको माइनस करने पे चाहिए, तो R1 चेंज टू 2R2 हो गया, R3 भी हो सकता है, R4 तो हो नहीं सकता अभी 3x3 का है, तो R3 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये नंबर आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेने हैं कि क्या करने पे क्या बनेगा, ठीक है, क्या करने पे क्या बनेगा, इसका मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि हमारा रो या कॉलम सेम हो जाए या उसके लगभग लगभग पास आ जाए, ऐसा करने पे मिलेगा। उस तरह C1 है, CI है, CI को भी मान लीजिए चेंज करना हो तो C2 चेंज टू C2 प्लस 8C3 मान लीजिए करना पड़ गया, ठीक है, C3 चेंज टू C3 प्लस या माइनस जो भी लिख सकते हैं, प्लस जो रिक्वायरमेंट रहेगी 11C1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि आप ये चीज प्रॉपर्टी तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग में क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि
जब C2 को चेंज करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे C2 होना चाहिए, C3 को चेंज करेंगे C3 होना चाहिए, बाकी बगल वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। R1 को चेंज करेंगे तो R1 होना चाहिए, R1 को R2 चेंज करेंगे R2 पहला वाला होना चाहिए, मतलब ये और ये क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं फिर थोड़ा सा आइडिया बनेगा आपका, इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए जरा, बाय यूजिंग ऑपरेशन, जब देखिए दोनों तरह से पूछ सकता है, दोनों लिख दिया हूं, बाय यूजिंग ऑपरेशन या विदाउट एक्सपेंशन, दोनों का मतलब एक ही हुआ, बिना एक्सपेंशन के का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी यानी ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 41, 15, 79, 79, 29, 53। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक चीज कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है और कोई आइडिया नहीं बन रहा है तो हम लोग रो किसी एक रो को या तो टोटल जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूसरा या तो हम लोग वन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट को वन बनाने की कोशिश करेंगे, या तो वन बनाने की कोशिश करिए या तो जीरो बनाने की कोशिश करिए, तब क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा। किसी तरह के क्वेश्चन में या तो वन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, या तो जीरो बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए जितनी भी चीज हम लोग पढ़े अभी तक दिमाग में नहीं आ रहा है सर ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी इसको सॉल्व कर देगी। ठीक, कैसे, देखिए यहाँ पे कितना है 41, यहाँ कितना है 5, ध्यान देखिएगा 41, 5, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को अगर ऐसे ऊपर ऊपर समझते हैं, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 5 40, ये 8 9 72 और 8 3 24, समझ में आया। ठीक, और ये देखिए अब ये क्या हो गया 40 72 और 24 हो गया, अगर इसमें से इस वाले में से C1 में से मैं C3 को माइनस कर दूं, देखिए 41 माइनस 41 आ जाएगा, 79 माइनस 72 7 आ जाएगा, 29 माइनस 24 3 आ जाएगा, सॉरी 29 माइनस 24 5 आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 175। अगर ये 175 आ गया, ये 175 है, दो रो या दो कॉलम सेम हो गए तो माय डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्वेश्चन आपको आएगा, बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं कैसे होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लोग को देखना है क्वेश्चन, देख लिए, अब हम लोग को दिख गया कि यहाँ पे क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से C3 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी रो या किसी कॉलम में जब हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। जैसे छोटी क्लासेस में आपने, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी वैल्यूज में मान लो 2 का मल्टीप्लाई किए तो बोलते थे ना सर 2 का डिवाइड भी करिए, अपने आप से 2 थोड़ी ना आ जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगी ना। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे ये डिटरमिनेंट में हमको यहाँ पे 40 चाहिए, 8 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 8 का डिवाइड भी करूंगा। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट यहां लिख देता हूं डिटरमिनेंट 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 का डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, C3 में, तो आप लिखेंगे C3 चेंज टू 8 C3, मतलब C3 को किससे चेंज किया, 8 C3 से। तो आप ये लिखिए, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले ही बोल दिया 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो किसमें कर रहे हैं, C3 में, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, 8 से डिवाइड हो चुका, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 हो गया, 72 हो गया और 24 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये डिटरमिनेंट बराबर 1/8 हो गया। ठीक, अब देखिए मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेशन आप जो लगाएंगे आपको वही लिखना है। ठीक है, भले आपका कैलकुलेशन गलत हो जाए लेकिन आप जो ऑपरेशन लगाएंगे वो वहीं पे लिखा होना चाहिए, एग्जामिनर आपका केवल ऑपरेशन देखेगा और क्वेश्चन को चेक कर देगा। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक, इस लेक्चर को बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बच्चों को समझ नहीं आता है तो आप तो इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल में जो जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं बस उतना ही पढ़िए, अभी पहले उसको क्लियर करिए और फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, तो जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो आपने ऑपरेशन क्या लिखा है, C1 को इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि C1 माइनस C3 करना पड़ा है।
क्या C1 को इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि C1 माइनस C3 करना पड़ रहा है। ठीक, तो मैं क्या किया हूं, C1 माइनस C3 मतलब ये C1 है, देखिए ध्यान देख लीजिए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो C1 में से C2 C3 तो 41 माइनस 40 कितना हो गया, 1 हो गया। C1 में से C3 C1 को चेंज कर रहे हैं, 79 माइनस 72 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखो इधर 29 माइनस 24 कितना हो गया, 5 हो गया। और सारे एलिमेंट एज इट इज दिखा जाएंगे क्योंकि मैंने किसको केवल चेंज किया है, C1 को चेंज किया है, किसको, C1 को। ये कितना हो गया 175 एज इट इज हो गया, ये कितना हो गया 40 72 और 24। क्या दो रो सेम है, क्या दो रो सेम है? ठीक, तो क्या बताया था, अगर दो रो सेम होंगे तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां लिख दीजिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1/8 × 0 = 0। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था, कोई दिक्कत, चलो नोट करो। अब तो क्वेश्चन पे आते हैं, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी है, अब केवल हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है और डाउट देखने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाता हूं मैं। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि ऑपरेशन, जैसे मान लिया आपने C1 माइनस C2 कर दिया, उसने कोई और ऑपरेशन लगा लिया, तो ये आप मत सोचिएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपका ही क्वेश्चन सही होगा अगर आपने ऑपरेशन सही से यूज किया होगा। वो कोई और ऑपरेशन लगा के आंसर ला सकता है, आप कोई और ऑपरेशन लगा के आंसर ला सकते हो। ठीक है, बशर्ते ये हो सकता है कि आपके ऑपरेशन से क्वेश्चन दो ही लाइन में लग गया, उसके ऑपरेशन से क्वेश्चन 4 लाइन में लगा। ठीक है, लेकिन नंबर दोनों लोग को उतना ही मिलेगा, चाहे उस ऑपरेशन को आप 4 लाइन में लगा के आंसर लाएं, चाहे उस ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन से आप 2 लाइन में आंसर लगा के आए, आपको क्या मिलेगा, नंबर मार्किंग इक्वल की जाएगी। इसलिए ये मत सोचिएगा सर ये तो आप ऐसे ऑपरेशन बताए थे, हम नेट पे देखे या कहीं और देखे, उसका ऑपरेशन कोई और दिया था, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा। कोशिश ये की जाती है बस कि जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उस ऑपरेशन से लगाने, देखिए ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेट। ठीक है, किसी चीज को छोटा करना, जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 ऐसे कई सारे नंबर थे, इनको ऐड करना था, उसके लिए ऑपरेशन लगा लिए प्लस। ठीक है, अब प्लस से काम नहीं बना, तो प्लस का एक बड़ा भाई आ गया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या है, प्लस का बड़ा भाई है, समझ में आया? ठीक है, तो प्लस का बड़ा भाई आ गया मल्टीप्लीकेशन। तो अगर ऐसे कई नंबर थे उनका क्या करना है, शुरू कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब अपने कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मल्टीप्लीकेशन का हम लोग क्या कर दिए, एक ऑपरेशन लेते हैं। तो ऑपरेशन क्या होता है, किस चीज को छोटा बनाने की कोशिश करता है। तो आप जब धीरे धीरे गलती करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब जब गलती करेंगे तभी आनी है चीजें। अब ये सोचेंगे कि आप क्या चाणक्य एकदम विद्वान है, आइंस्टीन है, एक बार में लगाया कहानी खत्म, आइंस्टीन तो नहीं हो सकते, आइंस्टीन तो भाई बहुत मेहनत किया था तब जाके वो विद्वान बना था। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि एक बार लगाए आ गया, नहीं आया छोड़ दिए, नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर नहीं देखेंगे, तो 12th में आपका ये काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इधर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड 1 1 1 = 0 प्रूव करना है, विदाउट एक्सपेंशन दिया हुआ है। एक्सपेंशन होता तो सब लोग बस तुरंत लिख देते, हो गया काम खत्म, लेकिन हम लोग को क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन करना है। विदाउट एक्सपेंशन करने के लिए दिमाग बैठा लिए, 1 लाने की या 0 लाने की कोशिश करेंगे, क्या लाने की, 1 लाने की या 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो दिख रहा है कि 1 आ जाएगा, अगर ये 1 1 है, ऊपर वाला भी 1 1 हो गया, दो रो सेम हो गए, तो आंसर 0, खटाक से आंसर 0। ठीक, तो आप सोचिए ऊपर कैसे 1 आ सकता है, ऊपर 1 आ गया, 1 कैसे आ सकता है, देखिए ये कितना है R3, ये कितना है R2, ये कितना है R1। अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, R1 को इस तरह से चेंज करूं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 को इस तरह से चेंज करें कि R1 में R2 जुड़ जा रहा है, तो जुड़ने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड दिया, जुड़ने के बाद देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन को फिर से लिख ले, जेड एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेड एक्स वाई, ये क्वेश्चन में क्या है, जेड एक्स वाई, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज किए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, इसको किए तो फिर से चेंज हो गया, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कितना हो गया, जेड हो गया, ये एक्स हो गया, एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज होगा वही चेंज, मतलब उसको अलग लिखेंगे, 1 1 1 हो गया। ठीक, अब दिमाग लगाइए, चिरपुटों का धो बैलो, देखो इधर ध्यान से, ये क्या है, इसमें से अगर मैं, देखो जगह तो नहीं बच रहा है, इधर लिख देता हूं, अगर इसमें से मैं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूं, किसमें से,
आर वन में से, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया भाई, हो गया। तो यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचा एक्स जेड एक्स वाई, और यहाँ क्या बचा वन वन वन। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रोज सेम हो जाते हैं तो उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग रूल, दिस इंटू दिस बराबर जीरो, आंसर इज जीरो, आंसर ट्रू। ठीक है, लिख लेना कहानी अपनी, कोई दिक्कत समझ में आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज। देखो चलो, यहां तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन एक क्लास में लगाए थे, प्रॉपर्टीज देखे थे, क्वेश्चन लगाए थे, अब और क्वेश्चन लगाते हैं, आज नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ही बात करनी है। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि विदाउट एक्सपेंशन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मतलब जो भी आनी चाहिए, जीरो आएगी क्या आएगी ये नहीं पता मुझे, कितनी आनी चाहिए इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो हमको वन 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 दिखाई दे रहा है, इससे बेहतरीन मौका आपके पास कोई हो नहीं सकता जब आपको वन 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 क्वेश्चन में दिखाई दे। आपको केवल क्या करना है, आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, एक चीज और, कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है, दो क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री का है, थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट है, तो हम लोग एक टाइम पे दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर तीन क्रॉस तीन का डिटरमिनेंट है, दिमाग बैठा रखिएगा, ये नहीं होगा, हमेशा दो ही नहीं होगा। तीन क्रॉस तीन का डिटरमिनेंट है तो आप कितने ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, दो एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका फोर क्रॉस फोर का डिटरमिनेंट है तो कितने ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं, तीन ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपका टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट है तो आप कितने ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में एक ही है, थ्री क्रॉस थ्री, टू क्रॉस टू का आपको इजिली लग जाता है, तो आपको कितने ऑपरेशन एक साथ यूज करने हैं, थ्री क्रॉस थ्री के लिए टू ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं तीनों एक साथ कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, कितने, केवल दो। अब देखिए वन और वन है, तो वन और वन से जीरो बनाना बहुत आसान होता है, वन और वन से जीरो बनाना बहुत आसान होता है। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं आर टू को इस तरह से कि कितना आर टू को जीरो बनाना है, तो आर टू में से आर वन माइनस कर दीजिए, आर टू माइनस, देखिए पूरा आर टू है तो पूरे को पूरे में से माइनस करना पड़ेगा, आर टू माइनस आर वन। और दूसरा ऑपरेशन देखिए, दो लगा सकते हैं और आर थ्री चेंज टू, यहां पे जीरो लाना है तो आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन, मतलब इसको जीरो बनाने के लिए इसमें से माइनस कर दिए, इसको जीरो बनाने के लिए इसमें से माइनस कर दिए। अब देखिए कौन सा रो या कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है, पहला वाला, कौन सा रो नहीं चेंज हो रहा, पहला वाला, तो उसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज क्या हो रहा था, ये चेंज हो रहा है आर टू और क्या हो रहा है आर थ्री, तो आर टू को चेंज कर रहे हैं वन माइनस वन जीरो, ठीक, ये हो गया बी माइनस ए। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन तेज करूंगा, दिमाग रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, इसमें से जब इसको माइनस किए, देखिए सी ए माइनस बी सी क्या कॉमन हो गया, सी, तो क्या हो गया ए माइनस बी। अच्छा, ये ए माइनस बी है, ये क्या है बी माइनस ए है, यानी कि हमको ए माइनस बी को बी माइनस ए लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा सी बी माइनस ए। ठीक है, इतना तो आना चाहिए भाई, क्लास ट्वेल्थ में हो, ठीक ना। फिर आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री को आर वन से माइनस कर दिए, तो आर वन से माइनस कर दिए, आर थ्री माइनस आर वन जीरो, आर थ्री माइनस आर वन सी माइनस ए, सी माइनस ए, आर थ्री माइनस आर वन, फिर से भाई कहानी ए बी माइनस बी सी क्या कॉमन, बी, ए माइनस सी चाहिए क्या, सी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिए बी सी माइनस ए, ठीक कोई दिक्कत, तो ये कितना हो गया माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं, सही है ना, हाँ सही है। आ जाओ देखो, अब देखो एक बात मेरी ध्यान से समझो, यहां पे डिटरमिनेंट बराबर, देखो इस वाले में तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, इस वाले रो में देखो जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, दुनिया की चीज जीरो में से कोई चीज कॉमन ले सकते हो, तो इस वाले में क्या बी माइनस से यहां है, यहां तो होगा ही होगा, बी माइनस से है, हाँ है, बी माइनस से है, हाँ है, तो बी माइनस से कॉमन ले लिए, तो बी माइनस ए कॉमन ले लिए। ठीक, इसमें से क्या कॉमन ले लिए, सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन ले लिए। डिटरमिनेंट में क्या बचा, देखो ऊपर वाले में से कुछ कॉमन नहीं है, तो एज इट इज वन ए बी सी, यहाँ पे जीरो कॉमन लिए बी माइनस ए वन, कॉमन लिए बी माइनस ए माइनस का सी, ठीक है, कॉमन लिए जीरो, कॉमन लिए वन, कॉमन लिए माइनस बी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैं बोला था स्टार्टिंग में विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन का क्या मतलब बोला हूं, लास्ट लाइन में जाके उसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर
कहता है विदाउट एक्सपेंशन एनी स्टेज, तो किसी भी स्टेज में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये विदाउट एक्सपेंशन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इस तरह आएगा, विदाउट एक्सपेंशन या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम लोग लास्ट स्टेज में उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो देखो कितनी वैल्यू आई, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज करने के बाद हमारे पास ये भी कर दे रहा हूं, नोट तो कर ही लोगे पॉज करके, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आया b माइनस ए, c माइनस ए और 100 ए बी सी और 1 माइनस सी। इसकी भी कहानी खत्म ही कर दो ना, इसको भी खत्म कर दो, ये बी सी माइनस सी माइनस बी 0। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो क्या बताया था मैंने, जिसके पास एक इजियर कैलकुलेशन के लिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो रो के पास इसके पास भी 2 जीरो है, इसके पास भी 2 जीरो है, जिससे तुमको आसानी रहे कर लो। तो मैं आर वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देता हूँ, आर वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, तो सॉरी सी वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, सी वन के अकॉर्डिंग, सी वन सी टू सी थ्री के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। एक्सपेंड करने से पहले यहाँ क्या प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट b माइनस ए, सी माइनस ए, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सहूलियत क्या हुई, ना ये वाला लिखने की जरूरत पड़ी ना ये वाला, क्योंकि जीरो किसी नंबर के आगे आएगा मल्टीप्लाई करके जीरो देगा, तो किसकी जरूरत पड़ी, वन की, किसकी जरूरत पड़ी, वन की। तो जब वन की जरूरत पड़ी इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बचा क्या b, कितना बचा b, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी एक माइनस है, ये वाला माइनस मत देखना सिर्फ उठो, ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते तो माइनस का साइन लगता है, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया बी प्लस सी, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया बी प्लस सी। कोई डाउट यहां तक, देखो नोट करो। तो देखो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, डिटरमिनेंट बराबर बी माइनस ए, सी माइनस ए और बी प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत, बी सी ए बी ए सी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दिमाग में एक चीज बैठ गई कि सर हाँ सही कह रहे थे कि वन आना चाहिए, वन दिख गया तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, वन को जीरो बना लेंगे, जीरो रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से टफ होंगे, आपको उनके लिए भी सिखा दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा, बस आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए, नोट करिए और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस डी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन का यूज होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को एक चीज दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे दो दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा किससे, ऑपरेशन का यूज करके, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, यानी ऑपरेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है, आप ऊपर लिख लीजिएगा विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ दो दो एलिमेंट है या एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ दो दो एलिमेंट इसको एक बनाने की कोशिश करिए, एक बनाने की कोशिश कर, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट कैसे आ सकता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाइए, एक ऑपरेशन लगाइए, अगर मैं आर वन को चेंज कर दूं आर वन प्लस आर टू माइनस का आर थ्री, देखते हैं ये अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, पहले कई बार तो गलती होगी आपसे, दिमाग बैठा रखिएगा, कई बार गलती होगी फिर सीखेंगे, ठीक। ऐसे मैं नहीं बता दे रहा हूं, मैं भी बहुत प्रैक्टिस तब बता रहा हूं, तो आप भी कुछ बार गलती होगी तभी सीखेंगे, ठीक है। आप किस टीचर से भी क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे ही पूछेंगे, मान लीजिए कोई अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया तो एक मिनट मैं भी देखूंगा उसको, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगा और मेरा बेस क्लियर है तो मैं प्रॉपर्टीज का यूज कर सकूंगा, लेकिन सोचूंगा मैं भी, तो अगर मैं सोचूंगा कोई टीचर और सोचेगा तो आपको ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री, आर वन को किस तरह से चेंज कर दिया गया, कैसे कि आर वन एक एलिमेंट लेते हैं, अच्छा आर वन जैसे मान लो आर वन में एक एलिमेंट ये लेते हैं बी प्लस सी, आर टू कितना हो गया, आर टू कितना हो गया सी प्लस ए, ठीक है, और आर थ्री कितना हो गया, देखो ये पूरा आर वन है आर टू आर थ्री, एक के लिए मैं देख ले रहा हूं, हो सकता है सही हो जाए, और फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बार लगाए तो माइनस बी,
ए से ए गया और बी से बी गया, हाँ मिल गया हम लोग को, मिल गया देखो टू सी आ गया, मतलब हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, दो से एक बन गया। तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ ये आपके लिए है, इसको दिमाग में बैठा रहिएगा, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कितना आ गया आर वन टू सी, क्या आर वन चेंज हो रहा है, और अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा, देखो इसके लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये भी आर वन ही है, ये आर टू है पूरा, ये आर थ्री है, तो आर वन गया कितना क्यू प्लस आर, आर टू कितना कितना आर प्लस पी, आर थ्री कितना माइनस पी माइनस क्यू, क्यू से क्यू की कहानी खत्म, पी से पी की कहानी खत्म, कितना है आर प्लस आर टू आर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसको इरेज कर देना, अपना कैलकुलेशन करते रहना तुम, टू आर, फिर इसको करते हैं तो कितना आ गया टू सी हो गया, टू आर हो गया, इसको करते हैं वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और माइनस एक्स माइनस वाई, खत्म खत्म, टू जेड कितना हो जाएगा टू जेड, तो एक को चेंज करने में हम लोग कामयाब रहे और खुशी होगी, एक को चेंज हो गया कामयाब हो गए हम लोग, यहाँ पे ये चेंज हुआ नहीं है, केवल आर वन चेंज हुआ, तो आर वन चेंज हो गया, सी टू का रिजल्ट लिख देंगे, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ही चेंज करना है, देखिए एक तो हो गया सिंपल, ठीक, अब क्या आया उसको बाद में हम लोग नोट कर लेंगे, बाद में उसको सही कर लेंगे, उसका क्रम उसका ऑर्डर लेंगे, पहले सिंगल तो लाइन, अब यहाँ पे सी प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है, ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखिए मिल गया, यहाँ पे टू सी है, बोलो हाँ, यहाँ कितना है सी प्लस ए है, तो कैसे मिला, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सी चीज लगाएंगे कि हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग, हाँ हो सकता है एक चीज, क्या ऊपर से हम लोग टू कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से टू कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कितना हो जाएगा सी आर जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो पॉज करके नोट करते रहना, पॉज करके नोट करते रहना, जगह कम है इस वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टू कॉमन हो गया, अब देखो ये आर वन है पूरा, ये आर टू है, अगर आर टू में से आर वन माइनस कर दे तो हमारे पास सी प्लस ए माइनस सी कितना हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस सी कितना हो जाएगा, ए बचेगा, देखो एक एलिमेंट यहां पर आ गया, तो टू हो गया, आर वन को एज इट इज लिख दे रहे, देखो जो चेंज नहीं होगा उसको एज इट इज लिख दो, उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, केवल क्या चेंज हो रहा है आर टू, आर टू चेंज, मतलब हम लोग ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है। अब आर टू माइनस आर वन करेंगे तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस ए, दिस माइनस दिस पी, दिस माइनस दिस एक्स, देखो ये भी आ गया, दूसरा वाला भी आ गया, ठीक, अब समझ गए होगे तुम। अब तीसरा वाला अगर मुझे लगाना है, तीसरा वाला भी लगाना है, तीसरा वाला भी लगाना है, तो तीसरा वाला लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो आगे, अब मैं आर थ्री को चेंज करूंगा, आर थ्री को यहां लिखो चाहे कोई दिक्कत है, आर थ्री को चेंज करूंगा, कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस को दो एक एलिमेंट बचेगा, आर थ्री माइनस आर टू, तो आर वन और आर टू ऐसे ही रहेंगे, टू सी आर जेड ए पी एक्स, इसमें से इसको माइनस करो कितना बचा बी, कितना बचा क्यू, कितना बचा वाई, बच गया। अच्छा प्रूफ क्या करना था हम लोग को, ये प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या करना था, टू और क्या था ए पी एक्स बी क्यू वाई, ए पी एक्स बी क्यू वाई और क्या था सी आर जेड, ये हम लोग को प्रूफ करना था। अच्छा देखो तुमको ये पूरा मिला होगा लेकिन इसका ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर तो हम लोग सेम कर लेंगे उसकी दिक्कत नहीं है, एपीएक्स मिला एपीएक्स मिला, बीक्यूआई मिला बीक्यूआई मिला, सीआरजेड मिला सीआरजेड मिल गया, लेकिन सीआरजेड क्या है, सीआरजेड यहाँ पे है और इंटरचेंज करते हैं, ठीक, जो लोग क्या पढ़े थे प्रॉपर्टी पढ़े थे। अच्छा ये बताओ 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 जी क्या बताओगे, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ, किसको, इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेते आ रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं, जिसको ही लेते आओ, तो अगर मैं इसको यहां पर ले आ रहा हूं यानी R2 को R1 की जगह ए पी एक्स और सी आर जेड और बी क्यू वाई,
याद आ रहा है, जब किसी एक रो को किसी एक रो से किसी एक कॉलम को किसी एक कॉलम से इंटरचेंज कर देते तो अपने आप क्या आ जाता था, एक माइनस का साइन, यानी एक को बदले तो एक माइनस का साइन आ गया, ठीक है, एपीएक्स यहां आ गया। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या लाना, दूसरी लाइन है प्रूफ के अकॉर्डिंग बी क्यू वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरचेंज करेंगे क्या, इसकी आया इसको, इसकी आया इसको, तो ए पी एक्स माइनस में था और बी क्यू वाई और सी आर जेड, ठीक है। जब फिर से एक बार इंटरचेंज किया तो फिर से एक माइनस आएगा ना, बोले थे ना एक बार करोगे तो एक माइनस, दोबारा करोगे तो दो माइनस प्लस हो जाएगा, तिबारा करोगे फिर एक माइनस, यानी माइनस से स्टार्ट होगा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जितनी बार इंटरचेंज करोगे एक रो को एक कॉलम से, एक रो को एक रो से, ठीक है। तो फिर से जब इंटरचेंज किया तो एक और माइनस आ गया, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हमारा प्रूव्ड हो गया, एज प्रूव्ड, क्या प्रूफ हो गया, एज प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप कर लेना, पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट करिए इसको। तो देखो स्टूडेंट्स, सारी चीजें हम लोग की क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, और वीडियो भी हमारा काफी क्वेश्चन बताने हैं तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, आज जितनी चीजें पढ़े उसको अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन भी है हम लोग पढ़े अच्छे से खासे क्वेश्चन, उसको भी दिमाग में बैठाइएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद बुक मत खोलिएगा भाई, पहली बात, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर का उधर मिलेगा, उधर का इधर मिलेगा, तो आज के दिन मतलब जिस दिन वीडियो आज अपलोड होगा तो आज आप क्या करेंगे, आप बुक नहीं देखेंगे, बुक के क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करेंगे, पहले मैं बेस बनवा दूं पूरी तरह अच्छे से। तो अगर आपको क्वेश्चन लगाने का मन होगा, मन में थोड़ी भावनाएं क्या होंगी, जागृत होंगी तो मन विचलित होगा, तो आपके लिए दो क्वेश्चन, मैं तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन लगा के रखना है और मुझसे पूछना है कि सर ये लग गया तो बताइए, मुझे सॉल्व करके भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा सही गलत, और नहीं लगा तो मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन करिएगा जरूर। कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी सी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है पहला, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन याद रखिएगा, विदाउट एक्सपेंशन मतलब लास्ट लाइन में आप जाके एक स्टेप में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको डबल जीरो मिल जाए तभी। यहाँ पे वन वन वन, दूसरा क्वेश्चन ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक। देखिए वन 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 दिखाई दिया, सबसे आसान कहानी होती है वन वन वन, याद आ रहा है ना, ठीक है। तीसरा प्रूफ करना है x प्लस फोर सब विदाउट एक्सपेंशन ही है, ठीक है, x प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर बराबर फाइव एक्स प्लस फोर फोर माइनस एक्स, ये प्रूफ करना है। इसको दिमाग से देखिएगा, ये सारे लगभग लगभग सेम है तो आप वन बना लेंगे, दिमाग लगाइएगा, देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, एक इन तीनों को जोड़ के मतलब आर वन को चेंज करिएगा, आर वन को चेंज करिएगा कैसे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से ये बन जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से ये बन जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट एक ही आ जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जीरो, देखिए सब्जी उब्जी बिक रहा है, दो मिनट आपसे बात बात करता हूँ, शोर हो रहा है, चलिए सब्जी उब्जी बिकता रहेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और निराश मत होइएगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज पे आके जब क्वेश्चन नहीं लगता है तो बच्चा उदास हो जाता है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है, जैसे बोला हूं अभी किताब मत खोलिएगा, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाइए, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है कि आपको मैं ये सिखा दूंगा, ठीक है, ये मेरी प्रॉमिस है, आप अपना प्रॉमिस कामयाब रखिएगा कि आप कैसे इस चीज को पढ़ते हैं, बस आप रिविजन करते जाइए पढ़ते जाइए, आज के दिन बुक मत उठाइएगा, बस जितना दिया हूं उससे पढ़िएगा, ठीक। अब अगले वीडियो पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज के बच्चे हैं उसको लगाएंगे, और आपका कुछ डाउट रहेगा तो उसको बता दूंगा, फिर हम लोग एक और टॉपिक बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको कहते हैं डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपके कोर्स में केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके और जगह कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो भी बताऊंगा, दूसरी चीज उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद कुछ उसमें बचेंगे सॉल्यूशन, उसके एप्लीकेशंस, ये भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, मान के चलिए आप लोग कि तीन से चार लेक्चर और है, डिटरमिनेंट हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो तीन से चार लेक्चर अच्छे से बिताइए, और जब तीन चार लेक्चर हो जाएंगे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट क्लियर हो गया, और जिस दिन डिटरमिनेंट क्लियर हो गया मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपका डिटरमिनेंट क्लियर है तो आपको मैट्रिसेस में हल्की सी भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी भी,
और अगर आपका डिटरमिनेंट नहीं क्लियर है तो आप मैट्रिसेस के लिए भी वही कहानी ले चलेंगे, सर लग नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्लियर इट मीन्स मैट्रिसेस क्लियर, ठीक है। चलिए गाइस, बाय, थैंक यू क्लास।